आपका नाम बोलेंगे? गाजी रजा। आपका नाम, एक तो बीच में केस आया था कि एक लड़की से लव हुआ था जी, हाँ। इधर उधर लफड़ा हुआ था, फिर आप हाँ। मिल लिए तो समझौता हो गया, फिर क्या हुआ? पहले सासन थाना में हमारा शादी वहाँ पर ये हुआ था, तो मैं बोला था हाँ रखूँगा बोल के, फिर उसके बाद घर लेके आया मैं, घर में कचर कचर हुआ, तो उसके बाद वो घर से चले गई। घर जाने के बाद महिला थाना में मेरा नाम है और मेरी मम्मी का नाम है केस दी। केस देने के बाद फिर बेल हुआ, बेल में निकला, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करा, फिर रखा, फिर उसके बाद कचर कचर करके बाहर चली गई और मेरा नाम है रेप केस दी। रेप केस देने के बाद फिर मैं रेप केस में अंदर गया, फिर अंदर से फिर निकला, निकल के फिर उसको रखूँगा बोला, फिर रखूँगा बोला, फिर रखा भी, बाहर रखा, फिर उसके बाद एक दो महीना रही, फिर उसके बाद मेरे को 399 में ज़बरदस्ती अंदर करा दी कि बंदूक पकड़ा है, मार देगा, ये कर देगा, क्योंकि वो सब मैं दुकान में बैठा हुआ था और मेरे को आके पुलिस ले गया और मेरे को 399 दे दिया। शादी के पहले कैसा लाइफ था, अभी शादी के बाद आपका कैसा लाइफ था? अभी ठीक नहीं, शादी का पहले तो ठीक लाइफ था भैया पूरा, अभी क्या है ना, सिर्फ मतलब वो दिए कि सिर्फ जेल कराऊंगी और कुछ नहीं। तो आप कुछ प्रोटेक्शन मांगे आज पुलिस से? आज पुलिस को बोला हूँ तो पुलिस बोले कि आप इग्नोर करो उसको, तो मैं बोला सर जब हम मेरे को केस जब इतना सारा पड़ रहा है तो आप, मैं अगर केस दे रहा हूँ तो आप केस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों उसको अंदर नहीं कर रहे हैं? क्या बोले सर? कुछ नहीं बोले। हाँ, वो आ रही है दो दिन, कल फिर आई थी, परे सर बोले कल फिर आई थी, कल केस दे रही थी, मैं परसों निकला फिर केस देगी तो फिर कल फिर मैं अंदर हो जाऊंगा, तो अगर बार बार अंदर हो जाऊँ, अंदर होते रहूँगा तो फिर मेरे को क्या फायदा? घर परिवार सब है, मेरी मम्मी बूढ़ी है, परसों दिन मेरी मम्मी को हुड़ी है, फिर गाली देखिए। तो अभी आगे क्या चाहते हो क्या? आगे मेरे को तलाक दरकार है, बस मेरे को उसके साथ नहीं रहना है।